हेलो दोस्तों, आप सभी के लिए काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है क्योंकि फाइनली यहाँ पर जो है पुलिस भर्ती परीक्षा जो आपकी होनी है फिजिकल एग्जामिनेशन उसकी डेट फिक्स कर दी गई है। साथ में यहाँ पर आपको बता दूँ कि उपचुनाव के चलते कौन कौन से डेट को जो है आपका फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं हो सकता है वो भी आपने मेंशन कर दिया गया है। और लगभग जो है आपको एक दिन में 400 जो कैंडिडेट होंगे आपको वो देखने को मिलेंगे फिजिकल में, यानी कि आपका फिजिकल जो है काफ़ी है, लगभग जो है 2.5 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं। तो इसी वजह से आपका फिजिकल जो है एक दिन में जो है 400 अभ्यर्थी को जो है फिजिकल एग्जामिनेशन के बुलाया जा सकता है। इसको लेकर जो है यहाँ पर क्या ऑफिशियली नोटिफिकेशन है वो आपको बता देता हूँ। इसमें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि उत्तराखंड के यहाँ पर पुलिस विभाग के द्वारा यहाँ पर उत्तराखंड अधीन सेवा चयन को परीक्षा को लेकर जो है जो कि आपके जनपद वार जो है पुलिस भर्ती परीक्षा होनी है। लगभग इसमें आपके देख सकते हैं यहाँ पर PSC है, फायरमैन है और महिला है, पुरुष दोनों के लिए है। लगभग आपके 1521 पोस्ट है टोटल इनके लिए। यहाँ पर जो है आपका फिजिकल एग्जामिनेशन डेट जो है जारी कर दिया गया है और इसमें टोटल अगर बात करें यहाँ पर 2,59,672 अभ्यर्थी हैं, इनका यहाँ पर परीक्षा करवानी है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इतने अभ्यर्थियों का जो है यहाँ पर जो आपका शारीरिक दक्षता मानक जो आपके फिजिकल एग्जामिनेशन होगा वो 15.5 से होगा, ठीक है। 15.5 से जो है यहाँ पर शारीरिक जो मानक दक्षता है वो आपका होगा और यहाँ पर जो है 60 दिन का जो है समय निर्धारित किया गया। तो 60 दिन में इनके आपका जो है 2 महीने के अंदर जो भर्ती परीक्षा होगी। और कहा गया है कि यहाँ पर जो है प्रत्येक भर्ती केंद्र में यहाँ पर 400 अभ्यर्थियों की जो है शारीरिक दक्षता होगी, यानी कि आपके जो है फिजिकल एग्जामिनेशन जो है यहाँ पर हर एक सेंटर में जो है आपको 400 अभ्यर्थी देखने को यहाँ पर मिलेंगे। तो ये कहा गया है और साथ में आप लोग देखते हैं कि आपका जो है 400 अभ्यर्थियों का जो है होगा वहाँ पर। और साथ में यह भी कहा गया है कि यहाँ पर कहा गया है चंपावत में जो है विधानसभा उपचुनाव के चलते यहाँ पर आपकी परीक्षा 29 को नहीं होगी, 30 को नहीं होगी और 31 को नहीं होगी, ठीक है। मई में 29, 30, 31 को यहाँ पर नहीं होगी और 3 में जो है 3 जून को आपका फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं होगा, बाकी दिन आपका फिजिकल एग्जाम चलेगा। लगभग जो है 60 दिन का यहाँ पर टारगेट लेके चला है और यहाँ पर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी हो चुका है जो कि विभाग के द्वारा यहाँ पर पुलिस विभाग के द्वारा जारी किया गया है। और 13 जनपदों में जो है 20 जो है केंद्र बनाए गए हैं, तो अलग अलग केंद्र बनाए गए हैं, 20 परीक्षा के सेंटर बनाए गए हैं जहाँ पर आपको PSC या पुलिस वाले करवाते हैं वहाँ पर देखने को मिलेगा। और योग्यता परीक्षा जो आदि जारी करते हैं इसकी भर्ती की परीक्षा को लेकर, और एडमिट कार्ड जो है यहाँ पर आयोग जल्दी आप जारी कर देगा क्योंकि यहाँ पर आ चुका है पुलिस विभाग का आदेश।